ज़्यादा समय दूर नहीं है उड़ता हरियाणा भी फिल्म बनेगी, क्योंकि हरियाणा को जो है नशे के कारोबारियों को सरकार ने बेच दिया है। जैसे अग्निवीर योजना आई तो गांव में जो है रिश्ते आने बंद हो गए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई 4 साल की नौकरी वाले लड़के से क्या शादी करें अपनी लड़की की। जो क्षत्रिय समाज है बॉर्डर पर तो हम देखते ही हैं कि एक अहम भूमिका निभाता रहे। हरियाणा में भी आज जैसे आप हैं आरजेपी जिस तरह से आगाज कर रही है चुनाव में, तो जो अग्निवीर स्कीम है इसको लेकर हरियाणा के युवाओं में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। ये क्षत्रिय समाज के भी जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो बॉर्डर पर खड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, इससे तो हर वर्ग परेशान है। बच्चों के रिश्ते आने बंद हो गए। गांव गांव में हम जा रहे हैं तो गांव के बुजुर्ग बता रहे हैं कि जब से अग्निवीर योजना आई तो गांव में जो है रिश्ते आने बंद हो गए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई 4 साल की नौकरी वाले लड़के से क्या शादी करें अपनी लड़की की, कि कल को पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो गलत योजना है और आरजेपी इसका शुरू से ही विरोध कर रही है, पहले दिन से ही। और जब भी हमें मौका मिलेगा, सत्ता में आएंगे, तो तुरंत अग्निवीर योजना को ख़त्म करके पहले की ही योजना लागू करेंगे, क्योंकि इससे देश का भी खतरा है। अभी आप 4 साल की जो अनट्रेंड बच्चे हैं उनको आप बॉर्डर पर सिर्फ मरने के लिए भेज रहे हैं, तो ये गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। जी, एक आज आप कालका पंचकुला में हैं, नशे को लेकर यहाँ पर काफी समय से स्थानीय लोगों की मांग रही है कि इस पर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रही है। कई ऐसे परिवार हैं जो बर्बाद हो गए, जिनके बच्चों ने अपनी जान नशे के ओवरडोज की वजह से गुजार दी, खत्म कर ली है, गवा दी है। आज आप बतौर युवा नेता इस मुद्दे को कैसे देखते हैं नशे को लेकर, और आरजेपी की किस तरह की इसमें स्टैंड रहेगा, रणनीति रहेगी? देखिए, अगर मेरे मन की भावना को मैं यहाँ बोलूँ तो वो तो ये है कि हम तो सऊदी वाला कानून यहाँ लागू करा दें, जिन हाथों से ड्रग्स बेची जाए उन हाथों को कटवा दें। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। लेकिन आरजेपी इसमें सख्त से सख्त सजाएं जो है लागू करेंगी। पहले पंजाब के लिए देश चिंतित था, उड़ता पंजाब उस पर फिल्म बनी कि भाई नशा कैसे जो है खोखला कर रहा है पंजाब को। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय दूर नहीं है, उड़ता हरियाणा भी फिल्म बनेगी, क्योंकि हरियाणा को जो है नशे के कारोबारियों को सरकार ने बेच दिया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर उस पर नहीं रहा है, तो बहुत सख्ताई के साथ उस पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोग उस पर सख्ताई से काम कराएंगे। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन दूर नहीं है जब आप उड़ता हरियाणा आप बड़े स्क्रीन पे देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार नाकाम साबित हुई है। चाहे फिर वो अग्निवीर का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो, या धर्म में राजनीति को घुसाने का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार की काफी खिलाफत हो रही है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें। ऐसे में आरजेपी एक नया जो है लोगों के लिए विकल्प बन सकती है, जहां जनता जो है हरियाणा में अभी चुनाव को लेकर नए नेता नई पार्टी की तरफ देख रही है उम्मीद भरी नजरों से। ऐसे में क्या आरजेपी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है, ये आने वाले समय में साफ होगा। साथ ही जो आक्रोश यात्रा है और जो मैनिफेस्टो है आरजेपी का, उसके लागू होने के साथ ही लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, ये साफ सामने हो पाएगा। हरियाणा तक के लिए मेरे सहयोगी अक्षय के साथ उमंग शरण।